नंबर 5 ईथन बॉटनिक। दोस्तों ईथन बॉटनिक एक अमेरिकन पियानिस्ट है। ईथन को बचपन ही से पियानो बजाने का बहुत शौक था, इसलिए 3 साल की उम्र में ईथन ने पियानो बजाना सीखना शुरू कर दिया। और दोस्तों 11 साल की उम्र में इस लिटिल बॉय का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और यूं ईथन दुनिया के सबसे यंगेस्ट पियानिस्ट बन गए। नंबर 4 एलिटा एंड्री। दोस्तों मिलिए एलिटा एंड्री से, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखती है। दोस्तों एलिटा एंड्री जब सिर्फ 4 साल की थी, तब इनकी पेंटिंग ने ना सिर्फ न्यूयॉर्क एग्जीबिशन में जगह बनाई, बल्कि यहाँ इनकी पेंटिंग 30,000 अमेरिकन डॉलर में फरोख्त हुई। दोस्तों इन्हें अगर पाकिस्तानी रुपए में लगाया जाए तो तकरीबन 50 लाख के करीब बनते हैं। और इस वक्त जब ये 14 साल की हो चुकी हैं, तो अब तक अपनी पेंटिंग से 5 मिलियन डॉलर कमा चुकी हैं। दोस्तों इन्हें दुनिया की यंगेस्ट पेंटर का भी एजाज भी हासिल है। और दोस्तों ना सिर्फ एलिटा एंड्रे पेंटिंग करती है, बल्कि अपने से कई बड़े लोगों को पेंटिंग करना भी सिखाती है। नंबर 3 नोंग यूही। दोस्तों चाइना के गांव में रहने वाला ये छोटा सा लड़का आसमानी नीले कलर की आंखों के साथ पैदा हुआ था। दोस्तों हैरत की बात तो ये है कि जब इसकी आंखों पर लाइट की जाए तो इसकी आंखों का कलर नियोइन ग्रीन में बदल जाता है। दोस्तों ये सब खसूसियाँ बिल्लियों और रात को जागने वाले जानवर में ही देखने को मिलती है, लेकिन ये बच्चा भी रात को बिल्लियों की तरह अंधेरे में देख सकता है। दोस्तों डॉक्टर्स का कहना है रात को जागने वाले जानवर अपनी आंखों में मौजूद एक स्पेशल सेल की वजह से देख सकते हैं, लेकिन इस बच्चे की आंखों में कोई भी ऐसा सेल मौजूद नहीं, मगर फिर भी वो रात के अंधेरे में देख सकता है। और दोस्तों ये बात भी साबित हो गई कि जब उसे अंधेरे रूम में बिठाकर पेपर सॉल्व करवाया गया। नंबर 2 कोटले पंडित। दोस्तों कोटले का ताल्लुक इंडिया के शहर हरियाणा से है और ये सिर्फ 13 साल के हैं। दोस्तों आमतौर पर इन्हें भारत भर में गूगल बॉय भी कहा जाता है। दोस्तों गूगल बॉय इसलिए कहा जाता है, दोस्तों जैसे हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं और हमें उसका सही और फौरन जवाब मिलता है, दोस्तों ऐसे ही हम कोटले से जो भी सवाल पूछ लें, आपको उसका सही और फौरन जवाब मिलता है। दोस्तों कई बड़े प्रोफेसर ने कोटले से सवाल किया और इन सभी सवालों का जवाब कोटले की तरफ से फौरन दिया गया। नंबर 1 आरफा करीम। दोस्तों आरफा करीम पाकिस्तान की जहीन तरीन स्टूडेंट थी। 2004 में सिर्फ 9 साल की उम्र में ये यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने पायलट लाइसेंस भी हासिल कर लिया था और इनका नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। दोस्तों इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट ने अमेरिका में मौजूद अपने हेडक्वार्टर में भी इन्वाइट किया था, जहाँ वो बिल गेट से मिली। लेकिन अब आरफा करीम 14 जनवरी 2012 को सिर्फ 16 साल की उम्र में दिल की बीमारी की वजह से वफात पा गई थी।